अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज आपका भाई एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर है और आज हम आए हुए हैं डैन वैली। और मैं डैन वैली सारी विजिट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा डैन वैली में क्या क्या चीज़ें और अपने बच्चों को लेके आए और यहाँ पे मस्ट आप विजिट करें। और ये आप देख सकते हैं कि जब झूले, ये देखें, ये अब स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट में झूला लगा हुआ है और इसमें ग्रीला है और ग्रीले के हाथों में ये बच्चों का गोल गोल घूमने वाला झूला है और ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। बस थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है और गोल गोल घूमता है और साथ जो है ना ये चिंपैंजी लेफ्ट राइट घूमती रहती है। और ये आप जनाब देख सकते हैं कि एक गाड़ी है और गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ उनके अब्बा जी हैं, वो स्टिके बना रहे हैं। वाओ नाइस, इट्स अमेजिंग। और ये जो है इसी तरह ये झूला, बस ये इसी तरह ये घूमता रहता है। और ये बच्चों का घूमने वाला झूला है जो बस जिस तरह वो पिंगे होती है ना, पिंगे भी आगे पीछे जाती हैं, लेकिन इसमें एक ये चीज़ है कि थोड़ा सा गोल गोल भी घूमता है। कौन से झूले पे? ऊंचा बोलो ना, इधर इधर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज डूब रहा है और ये बहुत प्यारा व्यू है। और जब सूरज डूब रहा होता है तो जब आप उसको देखें तो अमेजिंग साइट होती है और बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये जो आप गाइस देख सकते हैं ना, ये इन्होंने बच्चों का एक छोटा सा जोन बनाया हुआ है जिसमें उसने डायनासोर और डिफरेंट किस्म के लगाए हुए हैं और मोस्टली डैनो वैली है तो इन्होंने डायनासोर को कवर किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि अहमद जो है ना डायनासोर के पास खड़ा हुआ है और जो ये फुहार छन्नी लगा रहा है वो समझ रहा है कि ये रियल है, लेकिन वो ये रियल नहीं है। और ये मतलब बहुत ज़बरदस्त इन्होंने फोन के बनाए हुए हैं और ये इसी तरह हरकत करते रहते हैं, कुछ चीज़ें बोलती भी हैं बीच में से और मतलब जिस तरह साउंड होता है उस तरह साउंड इसमें से निकलता है। और ये देखें अहमद जनाब अभी डांसर के पास खड़ा हुआ है, उसको हाथ लगा के, और हमने बहुत कोशिश किया कि तस्वीरें खिंचा रहे, लेकिन नहीं, अहमद मियाँ ने कोई तस्वीरें नहीं खिंचाई हुई। ये देखें आप डायनासोर अंडा पकड़े खड़ा हुआ है और इसी तरह ये हाथी है, हाथी अपनी सूंड हिला रहा है। ये डैनो जो है ये खड़ा हुआ है जी दरख्त के पास, इंजॉय कर रहा है। इसमें सबसे जो मज़े की चीज़ थी अभी ये बंदर है, बंदर आंखें हिला रहा है, इधर उधर देख रहा है, सही ताड़ा ताड़ी कर रहा है, दबा के हर बंदे को देख रहा है इधर उधर, और साथ डांस भी कर रहा है, डांसिंग मूव में लगाया हुआ है इसको उन्होंने। और ये डैना मज़े में बैठा हुआ, उसे पूछ लगा रहा है, गर्दन आ रहा, पूछ रहा। और ये अहमद जनाब, अभी अहमद आया और अभी अहमद जो है बड़ी कोशिश के बाद जो है अहमद मियाँ जो है वो इसकी सूंड को थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, लेकिन अभी ये बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अहमद साहब ने जो है ना हाथ लगाया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डायनासोर लगे हुए हैं जिनके ऊपर सीट्स लगी हुई है और वो डायनासोर्स पे झूले वगैरह। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अहमद जो है बिलाखर जो है वो बैठ गया डायनासोर पे और ये सब थम्स अप कर रहा है और जो है ना वो डायनासोर उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, मतलब डायनासोर सुंड हिला रहा था, फिर उसके बाद डायनासोर अपने मुंह हिला रहा था लाइक, तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा यहाँ पे हम स्टे किया। ये देखें जिस तरह ये बड़ा झूला है, ये जनाब ये इसी तरह घूमता है, अभी फिलहाल ये खाली चल रहा है तो मैंने खाली की वीडियो बना ली है। जिस तरह ये डायनासोर्स हैं, मोस्टली यहाँ पे डायनासोर्स को ही कवर किया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे आप डायनासोर्स, फिर उसके बाद ये बग्गी वाला झूला जो मतलब वाला सर्कस वगैरह लगती होती थी उनमें ये वाले डोली के नाम से झूले होते थे, ये कि इन्होंने फैशन ही टाइप का झूला बनाया हुआ है और ये वही वाला बग्गी वाला डोली वाला झूला है। तो ये देखें एक रास्ता है, मतलब ऊपर की तरफ आते हैं जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ा खाने पीने की चीज़ें हैं और ये बहुत प्यारा यहाँ से व्यू आता है, जब भी थोड़ी सी लाइट्स हो मतलब अंधेरा होगा तो लाइट्स आएंगी तो ये बहुत प्यारा व्यू होगा। तो ये तुर्की भजन तुर्किश आइसक्रीम से इंस्पायर है और यहाँ पर इन्होंने सही शुगर थिएटर लगाया हुआ है और वहाँ के साथ शुगर मिला लगा रहे हैं। गेम बल्कि दो आइसक्रीमें, सिंपल आइसक्रीम और गेम वाली आइसक्रीम में वो ज़रा ये शुगर मिला तुर्की की तरह का शुगर मिला लगाते हैं, जिस तरह ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक खाने पीने वाली चीज़ें बनाई हुई हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं और ये देखिए ओपन एरिया भी है इनके साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाने की चीज़ें हैं। तो और ये देखें जी, ये इन्होंने वो गाने वाले डायनासोर्स बनाए हुए हैं और वो जनाब एक ने बांसुरी बजा रहा है, एक पियानो बजा रहा है और ये अहमद जो है ना हमारा ये भी डायनासोर बन गया, ये डायनासोर बन के जंप लगा रहा है। और ये दूसरे सिंपल आइसक्रीम कॉफ़ीज़ वगैरह के लिए बनाई हुई हैं चीज़ें
और ये लेफ्ट साइड पे जिस तरह ये सामने काउंटर पे भाई जान खड़े हैं, इधर से ऊपर जाएंगे तो आप मेनहॉल रेस्टोरेंट आपको जो है वो नज़र आएगा, और बाकी आगे इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ, डिफरेंट चीज़ें इधर रखी हुई हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई आप अपना नाम बता दें और आप भी मुझे बता दें कि आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे। हमारा नाम संदूला है। अच्छा, तो मतलब ये कैसे, क्या मतलब ये आप कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, कहाँ से ये चीज़ आपने सीखी है कि? अच्छा, तुर्की से आप इंस्पायर हैं और वहाँ से आपने ये चीज़ सीखी है। अच्छा, तो ये आइसक्रीम नॉर्मल आइसक्रीम है या कोई ख़ास है इसमें कुछ? खास, खास। क्या ख़ास है, कुछ थोड़ा सा बताएं। सर इसमें ये खास है, पकड़ लो भाई देखो सर, ओके भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। वो पड़ी है आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ गिरा दिया। ये बोलने वाला ट्री और ये कहानियाँ सुनाता है। और अभी हम जो हैं आगे हैं मनाल पे, और हम मनाल चेक कर रहे हैं कि मनाल का व्यू आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और उसके बाद अब हम जो हैं वो क्या करेंगे, हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, मतलब हम डॉजिंग कार खेल रहे हैं अहमद के साथ, और ये पिंक वाली गाड़ी हमारी है, और हम जो है ना दबा दबा के टक्करें खा रहे हैं और लोगों को टक्करें मार रहे हैं। देखें जिस तरह अभी हम आएंगे और ये हमने गाड़ी की टक्कर बचा ली, और ये बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे इंजॉय किया। और ये सबसे ज़्यादा जो इंजॉयबल थी चीज़ वो ये डॉजिंग कार थी, क्योंकि डॉजिंग कार की स्पीड बहुत तेज़ थी, और यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। और ओवरऑल जो है डेनो वैली को अगर आप रेट करें तो 10 out of 9 आप दे सकते हैं, और एक अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें जो हैं वो मर्ज हुई हुई हैं यहाँ पे। और उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी और आप यहाँ पे ज़रूर आएंगे और यहाँ पे आके आप विज़िट करेंगे। तो गाइस अब हमारी ट्रेन आ गई और अब हम बैठ गए ट्रेन में, ट्रेन हमें ड्रॉप करेगी गेट के एंड पे। और आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, और आप भी यहाँ पे जाएंगे और इंजॉय करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी, ये देखें एक डायनासोर है और डायनासोर के मुंह में एक गाड़ी है, और डायनासोर इन्होंने एक इसको एज अ शोपीस लगाया हुआ है और दिखाने के लिए। और ये अगर आप अपनी गाड़ी ऊपर ले कर आना चाह रहे हैं डेनो वैली में, तो ये आपके लिए पार्किंग लॉट बनी और अपनी गाड़ी ऊपर लेके आ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।